अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ अपने चैनल सनी ऑर्गेनिक फूड में पिज़्ज़ा सॉस लेके। कि पिज़्ज़ा सॉस एक ऐसी रेसिपी है जो आपको बच्चों के लिए ब्रेड पे लगाना, कोई भी पिज़्ज़ा वगैरह उसके लिए हमें चाहिए होती है तो उसके लिए बनानी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं इंग्रीडियंट्स चाहिए, ये मैंने टमाटर लिए हैं कटे हुए, ये 6 टमाटर हैं जिनको मैंने बीच में हाफ कर दिया है, ठीक है, ये ले लीजिएगा। उसके बाद ये प्याज लिए हैं मैंने, जिनको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है, 2 प्याज लिए थे मैंने। ये हमने टमाटो केचप लिया है, ये भी घर की टमाटो केचप है, इसकी रेसिपी भी जल्दी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। ये मैंने ली है 4 खाने के चम्मच। अच्छा, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देख लो इस तरह, इसको इसके अंदर पीस लेना है। ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। अच्छा, ये मेन मसाले हैं इसके, इसके अंदर मैंने 1.5 खाने का चम्मच पीसी लाल मिर्च ली है, 1 खाने का चम्मच ऑर्गेनिक ओरिगानो लिया है, मतलब 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी लाल काली मिर्च ली है। अच्छा, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक जग लेना है जिसके अंदर हमने टमाटर डाल लें, ये प्याज ऐड करने हैं, पानी इतना डालना है कि इनका पेस्ट बन जाए, ज़्यादा नहीं डालना, हमने इतना पानी डालना है कि पेस्ट बन जाए। और इसको सबसे पहले फ्लेम ऑन करनी है हमने, और ये देखिए इस तरह का ये पेस्ट बन गया है, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, ये देखिए ये गर्म होने लग गया है, इसको अब इसको थोड़ा सा मूव करना है इस तरह, और इसके अंदर सबसे पहले जो हमने ऐड करना है वो टमाटो केचप, जो इसकी रेसिपी मैं आपको जल्द इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। ये डाल देनी है 4 खाने के चम्मच, इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया, ये 1 खाने का चम्मच, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, ये देखिए अभी इस कंडीशन में आ गए, हमने इसके अंदर टोमेटो केचप डाल दी थी, लहसुन अदरक डाल दिया था, सारा कुछ डाल दिया था, अभी इस कंडीशन के अंदर आ गई है। अब इसके अंदर हमने ये ओरिगानो, लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक ये ऐड कर देना है। ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करना। इसको हमने इतना पकाना है कि थोड़ी गाढ़ी की कंडीशन में आ जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाए, और वैसे भी जब ये ठंडी होने लग जाएगी तो ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, मेरी सॉस जो हमारी गाढ़ी होती जा रही है, इस टाइम पे आपको इसका चम्मच ध्यान से चलाता रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, अगर ये नीचे लग गई तो फिर इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। ये देख, इस कंडीशन के ऊपर ये गाढ़ी होती जाएगी, साइडों से इस तरह पेचुले से यूं यूं करके चलाना है ताकि जो भी साइड में लगा हुआ है ये भी इसके अंदर ही शामिल हो। ये देखें, ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है, कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी जैसे ठंडी होती जाएगी और ही गाढ़ी होती जाएगी। अच्छा, ये है बेहतरीन ऑर्गेनिक पिज़्ज़ा सॉस, ऑर्गेनिक इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने घर के अंदर बनाई है, कोई भी बाहर की प्रोडक्ट वगैरह इस तरह की इसमें यूज़ नहीं हुई है, जो भी चीज़ें घर की है, हमारी टोमेटो केचप भी घर की है, उसकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्दी दूँगा। तो इस पिज़्ज़ा सॉस से आपके घर में बच्चे हैं, जो भी हैं, पिज़्ज़ा खाना हो, सैंडविचेज स्कूल में जाते हैं उनको ले जाना हो, वहाँ पे लगा सकते हैं, बेहतरीन है, इसको यूज़ करें, आप इसको सेव कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है कि बहुत जल्दी ख़राब हो गया, आप इसको महीने तक इंशाल्लाह ताला सेव करके रख सकते हैं। अच्छा, काइंडली अब ये मैंने आपके लिए बनाई है, आप मेरे चैनल को, जो मेरा चैनल सनी ऑर्गेनिक फूड है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट आप डाल सकते हैं कि कौन सी आपको रेसिपी चाहिए, हम इंशाल्लाह ताला वो बनाएंगे, आप उसमें हमारी हिम्मत बढ़ाएं क्योंकि हम लोग का भी नया नया चैनल है ये, आप लोग की दुआ से आगे बढ़ेगा, अल्लाह हमारे लिए साथ दे, आप लोग की दुआएँ साथ हो तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा किसी नई रेसिपी के साथ, उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।